जो भी स्टूडेंट 2022 में फाइनल एग्जाम यानी ट्वेल्थ का देने वाला है, जो फिलहाल में 11th में 2020 में एडमिशन करवाए हो या फिलहाल उसका स्पोर्ट एडमिशन भी चालू है, तो उन सबों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस बार एक साल पहले यानी एक ईयर पहले अभी स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट की ओर से, तो उन लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। तो किस प्रकार आप लोगों को ऑनलाइन करना है स्टेप बाय स्टेप इसमें 11th के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। खास करके इसमें अगर जो भी 8 से आए तो 8 वाला भी देख सकते हैं वीडियो, कॉमर्स साइंस तीनों। इसमें सबसे पहले मैं फोकस बात करने वाला हूँ साइंस और कॉमर्स को, किस प्रकार आप लोग को फॉर्म डाउनलोड करना है और किस प्रकार अपने मोबाइल से फॉर्म फिलअप करना है फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। अगर 8 वाला है तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, एक वीडियो मिलेगा वहाँ पर 8 का मैं पहले से ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ किस प्रकार फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल के साथ, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। यहाँ पर आई बटन मिलेगा उस पर भी आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी मैं डाल चुका हूँ या इसके कमेंट बॉक्स में भी वो वीडियो डाल दिया हूँ, वहाँ पर पिन करके रखा हुआ वीडियो देख सकते हो आसानी से। उसके बाद इसमें मेन फोकस करेंगे हम साइंस और कॉमर्स के दोनों चीज़ पर फोकस करेंगे, किस प्रकार फॉर्म डाउनलोड करना है किस प्रकार फॉर्म भरना है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप करके। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम चाहे जो भी ब्राउज़र हो सर्च बॉक्स करने वाला ओपन कर लेना है। सिंपली मैं अपने ब्राउज़र ओपन कर चुका हूँ जैसे कि आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों को सिंपल सर्च करना है, क्या सर्च करना है इस सर्च बॉक्स में चले जाना है, सिंपली सर्च करना है बिहार सेकेंडरी लिखना है। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं आप लोगों को मैं लिख कर यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ बिहार सेकेंडरी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने ये फिलअप कर चुका हूँ बिहार सेकेंडरी। अगर ये सब लिखने में थोड़ा भी दिक्कत होता है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, इसका लिंक मिलेगा वहाँ से आप डायरेक्ट आ जाना। लेकिन आने से पहले एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग पहले वीडियो नहीं देखते हो और डायरेक्ट जाकर और फॉर्म फिलअप करने में गलती कर जाते हो, इसलिए ये वीडियो को पहले देखिए आसानी से, उसके बाद एक बार फिर से देखिए, उसके बाद ये सब करिए। चलिए मैं सिंपली इसको ये लिखकर सर्च करता हूँ और आप लोग को मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ लिंक, और डायरेक्ट फॉर्म डाउनलोड करना है दोनों चीज़ डालूंगा, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देख लीजिए मैं सर्च कर चुका हूँ, सर्च करने के बाद कुछ आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसके बाद नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं BASEB लिखा हुआ है यहाँ पर बिहार सेकेंडरी online.com, इस पर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। ये सब आप लोग करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये वीडियो देखते हैं तो आसानी से हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सभी का लिंक दे चुका हूँ, आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ साइंस और कॉमर्स दोनों को इसमें फॉर्म फिलअप करके दिखाऊँ, थोड़ा टाइम दीजिए और दोनों आसानी से देख सकते हो। देख लीजिए ये इस प्रकार का इंटरफेस सर्च करके आएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सर्वर स्लो है, इसी कारण बस ऐसा हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए आ गया सिंपली ये डाउनलोड होकर, डाउनलोड फॉर्म नहीं बल्कि ये ऑप्शन आएगा इस प्रकार को, उसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फिलहाल इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आप लोगों को, तो सिंपली इस पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना है। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप लोग को डायरेक्ट ये वेबसाइट मिलेगा वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर इसमें प्रॉब्लम होता है। चलिए सिंपली इस पर मैं क्लिक करके डाउनलोड करता हूँ, साइंस और कॉमर्स को दोनों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग के परिवार में कोई 9th का है तो 9th का भी वीडियो मैं बना चुका हूँ किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है मोबाइल से, वो भी देख के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 11th 8th का भी दे चुका हूँ, तो आई बटन में सभी चीज़ मिलेगा या वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिस्ट मिल जाएगा वीडियो को, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। चलिए जैसे कि मैं 8 का पहले वीडियो बना चुका हूँ वो देख लीजिए, और इसमें साइंस का दिखाने जा रहा हूँ कॉमर्स को, किस प्रकार आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है डाउनलोड करना है। सिंपली आप लोग को साइंस वाला पर सिंपली क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना है, अगर जो 8 से है तो 8 वाला सॉरी कॉमर्स है तो कॉमर्स वाला पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। सिंपली मैं पहले साइंस का करके दिखा दूँ, साइंस पर क्लिक करने के बाद कुछ आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और सिंपली ये डाउनलोड हो चुका है। आप लोग को मैं दिखाने जा रहा हूँ किस प्रकार डाउनलोड हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आया है, इस पर क्लिक करके मैं डाउनलोड सिंपली कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ आप लोगों के इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे कि मैं देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, डाउनलोड हो चुका है ऑलरेडी, इस पर क्लिक करके मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया ये साइंस का। इसी प्रकार आप नीचे में जाकर कॉमर्स वाला आप क्लिक कर लेना, और साइंस का मैं बता रहा हूँ उसके बाद कॉमर्स को बताऊँगा। ये वीडियो दोनों आदमी आसानी से देखिए, क्योंकि साइंस कॉमर्स में थोड़ा भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट चूज करने में आप लोगों को दिक्कत होगा तो वो मैं सब्जेक्ट का भी बता दूंगा। सिंपली सेम प्रोसेस है दोनों में, और सब्जेक्ट में मैं दोनों को बताऊंगा, साइंस बता रहा हूँ उसके बाद कॉमर्स। साइंस कॉमर्स में यहाँ तक ऑलरेडी सभी चीज़ सेम होगा, इस सबसे पहले मैं बता रहा हूँ किस प्रकार फॉर्म फिलअप करना है। सिंपली इसमें एक फोटोग्राफ बना लेना है अपने कंप्यूटर दुकान में जाकर कहीं मोबाइल पे, और इस साइज का फोटो रंगीन बनाना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए, एक नंबर में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ साइंस की बात करने जा रहा हूँ, उसके बाद कॉमर्स भी बात करूँगा। साइंस कॉमर्स में ये सभी चीज़ आपको सेम फिलअप करना पड़ेगा 8 में भी,
तो साइंस कॉमर्स यहाँ पर बता रहा हूँ, सब्जेक्ट के लिए मैं फिर से अलग बताऊँगा इसमें थोड़ा एक मिनट समय देकर। यहाँ पर यहाँ पर सिंपली आप लोगों को एक नंबर में क्या करना है, सिंपली कैटेगरी में आपको रेगुलर पे टिक करना है, यहाँ पर एक सही का चिन्ह लगा देना है इसमें खड़ी में। उसके बाद नीचे ये दो नंबर में आपको स्कूल कोड है, स्कूल कोड क्या होता है तो आप लोगों को एक 5 अंक का स्कूल कोड होगा जो कि आप लोगों को कॉलेज में होगा, वो कॉलेज में से आप लेकर यहाँ पर सिंपली लिख देना है स्कूल कोड। उसके बाद आप लोगों को 3 नंबर में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉलेज का नेम लिखना पड़ेगा। अगर कॉलेज का नाम सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखना है, सभी चीज़ अपना नाम कॉलेज का नाम जो भी नाम है यहाँ पर इंग्लिश में सिर्फ लिखना है और लेकिन कैपिटल लेटर में होना चाहिए सभी चीज़। अगर स्कूल का नाम सॉरी कॉलेज का नाम लंबा है तो आप लोग शॉर्ट में लिखना, लेकिन एक स्टेप लिखने के बाद एक ब्लैंक छोड़ना है। जैसे किसी का कॉलेज का नाम CMB कॉलेज है तो CMB लिख कर एक ब्लैंक बीच में खाली छोड़ना है, उसके बाद कॉलेज लिखना है, इस प्रकार आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट का नाम इसमें किस प्रकार लिखना है, तो जैसे किसी का नाम है रोशन कुमार यादव तो आप रोशन लिखना, उसके बाद कुमार लिखने से पहले एक ब्लैंक के बीच में छोड़ देना, उसके बाद यादव लिखने से पहले एक ब्लैंक छोड़ना, इस प्रकार लिखना है। इसी प्रकार स्कूल का नाम लिखना है, इसी प्रकार स्टूडेंट का भी नाम लिखना है। यहाँ पर हिंदी में स्टूडेंट का नाम लिख देना है, जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करता है उसका इसमें नाम होगा हिंदी में। उसी प्रकार यहाँ पर मदर का नाम होगा इंग्लिश में लिखना कैपिटल लेटर में, उसी प्रकार एक ब्लैंक छोड़कर देवी से पहले। उसके बाद यहाँ पर मदर का नाम हिंदी में, उसके बाद यहाँ पर फादर का नाम, इसके बाद हिंदी में भी फादर का नाम। यहाँ पर इतना चीज़ सभी चीज़ है, साइंस कॉमर्स दोनों में, आर्ट में भी है यही सभी चीज़, आप लोग को दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख लीजिए 8 नंबर में डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, आप लोग का 10th के मार्कशीट पर जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वही देना सिर्फ, बल्कि आधार कार्ड से नहीं देख कर देना, आधार कार्ड में गलत भी रहता है तो उससे नहीं देना है, बल्कि अपना मार्कशीट 10th में जो है वही से देना है। यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर में पूछ रहा है मैट्रिक क्लास पासिंग ईयर, किस आप बोर्ड से मैट्रिक पास किए वो लिखना पड़ेगा। आप बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड इसमें लिख देना है, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, या CBSE है तो CBSE लिखना। उसके बाद 10 नंबर में देख सकते हैं मैट्रिक क्लास बोर्ड रोल नंबर, यहाँ मैट्रिक में जो भी आपका एडमिट कार्ड पर मैट्रिक में पास किए थे उसका रोल कोड इसमें लिखना है, उस हाई स्कूल का यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना SB में मैट्रिक पास किए वो भी लिखना पड़ेगा। अगर 2020 में है तो ऑलरेडी 20 इसमें भर देना है, 2020 या 19 में है तो वो भी भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आगे जेंडर पूछ रहा है मेल फीमेल, अगर लड़का है तो मेल भरना है, लड़की है तो फीमेल भरना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगर औदर है तो औदर भी भर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर 12 नंबर में कैटेगरी में बता चुका है किस प्रकार भरना है। उसके बाद 13 नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट कैटेगरी में यहाँ पर जनरल OBC EBC SC यानी जो है आप यहाँ पर स्टूडेंट गलत कर जाता है तो आप लोग इसमें खुद से अगर जो जाति का है वो फिलअप करना। यहाँ पर देख लीजिए 13 नंबर में बता दिया हूँ, 14 नंबर में क्या है डिफरेंटली एबल में अगर विकलांग है तो एस करना है, एस करने पर आप लोगों को इसमें लिखना पड़ेगा कि कितना परसेंट विकलांग है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगर नहीं है तो आप सिंपली नो करके जा सकते हो, एस लिखने पर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कितना परसेंट विकलांग है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर नेशनलिटी में आप लोग को क्या राष्ट्रीयता क्या हिंदू है सॉरी इंडियन है या अदर, आप इंडिया से है कि दूसरे कंट्री से, सिर्फ आप लोग इंडियन चूज कर लेना, सिंपली सभी इंडियन से होंगे। अगर दूसरा है तो दूसरा इसमें लिखना अदर लिखना पड़ेगा और कौन कहां से आए हो किस स्टेट से वो भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर देख लीजिए 16 नंबर में रिलीजन यानी धर्म क्या है, हिंदू है या मुस्लिम है, इस्लाम है या सिख है, जो धर्म हो वो चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 18 नंबर में मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप लोग को अपने गार्जियन का या अपना भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ईमेल आईडी एक शॉर्ट ईमेल आईडी बनाकर देना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आप लोगों को वही वीडियो मिलेगा, आप लोग आसानी से देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आधार नंबर फिलअप करना जरूरी है, आप लोग को आधार नंबर देना जरूरी है, आप लोग अगर आधार कार्ड गलत हैं तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन आधार नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना तो अच्छा होगा क्योंकि अच्छा रहता है डॉक्यूमेंट देने पर आधार कार्ड ऑलरेडी इसका लिए आपको फॉर्म अगर नहीं भराएगा आधार कार्ड नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस लिखना है, एड्रेस में अपना विलेज लिखना है, उसके बाद पोस्ट लिखना है, उसके बाद पुलिस स्टेशन लिखना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद राज्य, सभी चीज़ आप लोग को लिखना है स्टेप बाय स्टेप। विलेज लिख देने के बाद पोस्ट लिखने से पहले एक ब्लैंक छोड़ना है, विलेज लिख कर आप लोग को VILL देकर माइनस देना है, तब जो गांव का नाम है वो लिखना है इस प्रकार, गांव का नाम हो जाने पर एक ब्लैंक छोड़ना है, उसके बाद पोस्ट लिखना है, फिर माइनस देना है, इस प्रकार लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर में मेरिटल स्टेटस कि आपका शादी हुआ है तो सिंपली एस कर देना है इसमें, अगर नहीं हुआ है तो नो कर देना, एस नो सभी के लिए लड़का लड़की। यहाँ पर स्टूडेंट का देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले पिन कोड मांगा जाएगा, अपने एरिया का पिन कोड जो 5 अंक का होता है इसमें फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हम 23 नंबर में बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट का यहाँ पर बैंक अकाउंट देने से यह फायदा होगा कि किसी भी अकाउंट का अगर रुपया आता है गवर्नमेंट की ओर से तो आपका डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, अब स्टूडेंट को बुलाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 24 नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ब्रांच नेम, आप किस बैंक के ब्रांच आपका कहाँ है वो लिखना पड़ेगा।
उसके बाद उस बैंक में आईएफएससी कोड होगा, ये सभी आप लोग को पासबुक पर मिल जाएगा, ये पासबुक पर सभी चीज़ मिलेगा, ये सब भर देना। 26 नंबर की बात करें तो यहाँ पर टू इंडिफिकेशन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, यानी शरीर में स्टूडेंट के दो कटा हुआ निशान या कोई चिन्ह है तो वो दे सकते हो, जैसे किसी के मुंह पर तिलवा है ये मोल मार्क ऑन द फेस, ये लिख देना है इसमें सिर्फ कैपिटल लेटर इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 27 नंबर में क्या है, यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश, आप किस मीडियम में 2022 में फाइनल एग्जाम 12th का देना चाहते हैं, हिंदी में तो हिंदी कर देना या इंग्लिश तो इंग्लिश, इस ध्यान से ध्यानपूर्वक चूज करना। यहाँ पर 28 में यहाँ पर हम सब्जेक्ट की डिटेल की बात करने वाला हूँ, ये तो साइंस है लेकिन मैं कॉमर्स भी बताने वाला हूँ, पहले साइंस बता रहा हूँ उसके बाद कॉमर्स। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ किस प्रकार क्या करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉमर्स की बात कंपलसरी है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें से एक सब्जेक्ट चूज करना है, इसमें से एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक इसमें से और एक इसमें से। जैसे कि आप लोग, जैसे कि आप इंग्लिश रखना चाहते हैं सिंपली आप लोग एक से इंग्लिश कर दीजिए, अगर हिंदी इसमें रखना चाहते तो हिंदी, अगर आप लोग हिंदी रखना चाहते तो इसमें मैथिली भी चूज कर सकते हैं, या दोनों में चाहते कि इंग्लिश ही रखे तो इंग्लिश इसमें लगा दीजिए, इंग्लिश में एक में टिक लगा दीजिए, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लीजिए जो कि अपने मिथिलांचल से है, वो सिंपली सभी स्टूडेंट मैथिली रखता है तो सिंपली मैथिली वाला में टिक कर लेना है, उसके बाद इसमें हिंदी में चूज कर लेना है अगर इंग्लिश कोई नहीं रखना चाहते हैं तो, अपने हिसाब से इसमें चूज कर लेना है। जो भी स्टूडेंट जो अपना आप लोग को फिलहाल पहले मालूम होगा कि कौन कौन सब्जेक्ट रखना है वो चूज करना है, सिंपली इसमें से 100 200 इसमें से चूज करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप 3 से, इसमें से आप लोगों को 300 मार्क चूज करना पड़ेगा, जैसे कि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी रखा है तो सिंपली आप बायोलॉजी में टिक करना, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में ये चूज करना, अगर कोई मैथ रखा है तो बायोलॉजी को छोड़कर आप लोग को मैथ सिंपली सेलेक्ट कर लेना, और 3 सब्जेक्ट इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और ये दोनों तो सभी का होगा बायोलॉजी वाला का भी, लेकिन मैथ वाला मैथ में क्लिक करना और बायोलॉजी वाला बायोलॉजी में करना। और यहाँ पर देख से एडिशन में जैसे कोई एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं वो इसमें फिलअप करेंगे, जैसे कि बायोलॉजी वाला एक्स्ट्रा रखता है मैथ तो इसमें आप लोग को सिंपली मैथमेटिक्स में टिक कर लेना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा होगा इसमें तो सिंपली आप लोग इसमें मैथमेटिक्स में यहाँ पर क्लिक करके टिक कर लेना। ये इसमें एक्स्ट्रा रखने से ये फायदा इस बार स्टूडेंट को दिया गया कि अगर आप इस तीनों विषय में, मान लीजिए यहाँ पर कोई विषय में अगर एक फेल हो जाते हैं, अगर इस विषय में पास हैं इस नीचे वाले विषय में तो आप लोग को पास ऑलरेडी कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग को मैं बता चुका है किस प्रकार, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख लीजिए एक सब्जेक्ट इसमें से एक दो हो गया, 3-5 सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पर यह हुआ कि जैसे कि अगर आप लोग ऊपर में फेल हो रहे कोशिश सब्जेक्ट में तो आप लोग को ऑलरेडी पास करा दिया जाएगा। चलिए मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ किस प्रकार क्या करना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, यहाँ गार्जियन का सिग्नेचर करवा लेना, हिंदी में अगर सिग्नेचर नहीं दे तो अपना फिंगर अंगूठा निशान दिलवा देना। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम इंग्लिश में लिखना, हिंदी में सिग्नेचर करना इंग्लिश स्टूडेंट का, यहाँ पर इंग्लिश में सिंपली सिग्नेचर स्टूडेंट का करना। उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल सर से सिग्नेचर मोहर करवा कर अपने कॉलेज में ऑलरेडी इसको फॉर्म को जमा कर देना है, सभी चीज़ यहाँ पर करके, यहाँ पर एक फोटो लगेगा, यहाँ पर सिग्नेचर करना, यही सिग्नेचर आप लोगों को एडमिट कार्ड पर भी बन करेगा। तो चलिए मैं साइंस का बता चुका, अब कॉमर्स का बनाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार आप लोगों को सब्जेक्ट चूज करना है, सिंपली सभी चीज़। चलिए मैं फॉर्म डाउनलोड करके और आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करके चलिए आप दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फिलहाल आ चुका हूँ कॉमर्स का, कॉमर्स पर क्लिक करेंगे, कॉमर्स पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म डाउनलोड कर चुका हूँ मैं, डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से, और ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है जैसे कि आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कॉमर्स का फिलहाल मैंने ओपन कर चुका हूँ, कॉमर्स के किस प्रकार फॉर्म फिलअप करना है सेम प्रोसेस जैसे कि आप लोग को मैं साइंस वाला में भी बता चुका हूँ और आर्ट वाला में भी बता चुका हूँ, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली सभी चीज़ इसमें सेम भरना है जैसे कि आप लोग को मैं वीडियो में बता चुका हूँ। और सिंपली ये सब भरने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर फादर मदर सभी चीज़ सेम है जैसे कि साइंस में बताया था। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कुछ अदर ऑप्शन दिया गया है, क्या ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तक सभी चीज़ हैं, सिर्फ सब्जेक्ट में आप लोग को दिक्कत होगा जैसे कि मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ, सभी चीज़ यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट कोड, अगर आप लोग को वो नहीं देखे तो फिर से एक बार वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट में टोटल इसमें से भी 100 करना है, इसमें से 100 चूज करना है जैसे कि साइंस आर्ट में करता है स्टूडेंट, तो सिंपली आप लोग को अगर इंग्लिश रखना चाहते सिंपली इंग्लिश में चूज कर लेना, अगर हिंदी या मैथिली तो इसमें मैथिली में चूज कर लेना है, सिर्फ इससे एक सब्जेक्ट और इससे, अगर इंग्लिश कोई नहीं रखना चाहते तो सिंपली इसमें हिंदी कर लेना या इसमें मैथिली कर लेना, चाहे हिंदी तो दोनों में भी हिंदी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्टिव सब्जेक्ट में आप लोगों को इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप लोग को 300 मार्क का चूज करना पड़ेगा, जैसे कि कोई सब्जेक्ट 300 है तो आप लोग को 3 में टिक करना है, यहाँ पर जो 3 चूज आपका मेन ब्रांच मेन है सब्जेक्ट वो
सिंपली चूज कर लेना है तीनों चूज करने के बाद आप लोगों को नीचे जाना है एडिशन सब्जेक्ट में, आप लोग को एक चूज कर लेना है। जैसे कि आप लोग को फायदा होगा अगर कोई फेल हो रहे हैं ऊपर वाले सब्जेक्ट में, तो आप लोग को अगर इसमें पास है तो आप लोग को ऑलरेडी पास करा दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए यही आप लोगों को था, कुछ नहीं था विशेष। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का गार्जियन का सिग्नेचर, यहाँ पर स्टूडेंट का हिंदी में सिग्नेचर, यहाँ पर इंग्लिश में, यहाँ पर प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर करवा कर आपने कॉलेज में सबमिट कर देना है फॉर्म आसानी से। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पहले यहाँ पर एक फोटो बनवा लेना है, रंगीन फोटो इस साइज में, और यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर कर देना है स्टूडेंट को, और सिंपली ये फॉर्म डाउनलोड कर देना, करके आप अपना कॉलेज में जाकर जमा कर देना है। तो विशेष रूप से मैं बता दिया हूँ इस वीडियो में दोनों चीज़ के लिए। अगर इस चैनल पर सबसे पहली बार है तो बिहार बोर्ड से पल पल का अपडेट आता रहता है, तो सबसे पहले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को ईमेल आईडी किस प्रकार बनाया जाता है वो भी बताऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।